बिहार के लोग बहुत पहले से कह रहे हैं। सुदेशर बाप प्रसाद के वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को देखते हुए दलों की ओर से राजनीतिक जमीन को मजबूत किया जा रहा है। एक एक खामियां, एक एक काम गिनाए जा रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को पुरुलिया पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि पूरा बंगाल जानता है कि कोयला माफिया, बालू माफिया को यहां किसका संरक्षण मिला है। अपने राजनीतिक लाभ के लिए दीदी यानी ममता बनर्जी की सरकार माओवादी हिंसा को भी बढ़ावा देती है। लोगों का ये इरादा देख भाजपा के कार्यकर्ताओं पर भी भड़की हुई है। माओवादी और ममता बनर्जी कनेक्शन कहां से निकला, दरअसल इसका एक पूरा चिट्ठा है। वर्ष 2010 की एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल के लालगढ़ में अपने भाषण में ममता बनर्जी ने माओवादियों के प्रवक्ता चेरकुरी राजकुमार उर्फ आजाद की मौत को हत्या बताया था। यही नहीं, हिंसा त्यागने को लेकर ममता बनर्जी की मध्यस्थता पर भी बात हुई थी। ममता इस दौरान केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में रेल मंत्री हुआ करती थी। मध्यस्थता को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य कोटेश्वर राव यानी किशन जी ने कहा था कि अगर वह राजी होती हैं तो उन्हें इस पर कोई एतराज नहीं होगा। इसके बाद ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगे थे। विपक्षी नेताओं ने उस समय कहा था कि ममता बनर्जी की लालगढ़ में आयोजित रैली को माओवादियों का समर्थन हासिल था। माओवादियों के प्रवक्ता आजाद के समर्थन में खड़ी होने वाली ममता बनर्जी पर जब सवाल उठने लगे तो इसकी सफाई में खुद किशन जी ने बयान जारी किया था। किशन जी ने इन आरोपों को दरकिनार किया। कभी माओवादियों को हिंसा का रास्ता छोड़ने के मुद्दे की मध्यस्थता करने को लेकर चर्चा में रहीं, ममता बनर्जी फिर से अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के बयान के बाद चर्चा में आ गईं। अभिषेक बनर्जी 2015 में पश्चिमी मिदनापुर के बेल पहाड़ी में एक जनसभा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार ने वर्ष 2011 में खूंखार माओवादी नेता किशन जी को मार गिराया था। 24 नवंबर को कोबरा बटालियन के जवानों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। बंगाल के स्थानीय पत्रकार वी के शर्मा कहते हैं कि टीएमसी में अब छत्रधर महतो इकलौते ऐसे नेता हैं जो पूर्व में माओवादी रहे हैं। टीएमसी में छत्रधर महतो ममता बनर्जी के प्रचार में जुटे हैं। छत्रधर माओवादी से टीएमसी में शामिल हुए थे। छत्रधर माओवादी नेता शशधर महतो के भाई हैं। शशधर महतो को मार्च 2011 में हुए एनकाउंटर में मार गिराया गया था। छत्रधर भी 11 साल तक जेल में रहे हैं। बंगाल के लोग बहुत पहले से कह रहे हैं सुदेशर बाप प्रसाद के वंदे